सवाल नंबर एक, राम राम क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर दो, ऋषि मुनि सिर पर चुटिया क्यों रखते थे। सवाल नंबर तीन, गणपत का विसर्जन क्यों किया जाता है। सवाल नंबर चार, कौन सी मैरिज बेस्ट है, लव या अरेंज। सवाल नंबर पाँच, एक नाक में दो छेद क्यों होते हैं। सवाल नंबर छह, सुबह की बासी लार के क्या फायदे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से। सवाल नंबर एक, राम राम क्यों कहा जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को दो बार ही राम राम क्यों बोलते हैं, एक बार या तीन बार क्यों नहीं बोलते। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल दो बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गहरा रहस्य है, क्योंकि यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। आपको बता दें कि हिंदी की शब्दावली में रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27 + 2 + 25 = 54 होता है, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। इसी प्रकार दो राम राम का कुल योग 108 होगा, यानी जब हम कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर करते हैं। सिर्फ दो बार राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है, इसलिए लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, ऋषि मुनि सिर पर चुटिया क्यों रखते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे। आखिर ऋषि मुनि सिर पर चुटिया क्यों रखते थे, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल सिर पर चोटी रखने के कई कारण होते हैं। आपको बता दें कि जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है उसे सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं, अर्थात सिर के सभी बालों को काट कर बीचों बीच के स्थान के बाल छोड़ दिए जाते हैं। इस स्थान के ठीक 2 से 3 इंच नीचे आत्मा का स्थान होता है। विज्ञान के अनुसार यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इस स्थान पर चोटी रखने से मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। सिर पर चोटी रखने से हमारे शरीर के अंगों, बुद्धि व मन पर नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ कर चोटी रखने की प्रथा को शुरू किया था। सवाल नंबर तीन, गणपत का विसर्जन क्यों किया जाता है। गणपत उत्सव को सर्वप्रथम शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपत बैठाया, 10 दिन तक सभा और सम्मेलन को संबोधित किया। बिठाए गए गणपत की 10वें दिन फेरी निकली। गणपत का दर्शन सबके लिए खुला रहता था। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए एक दलित ने मूर्ति के दर्शन करने के क्रम में उसे छुई डाला। गणपत अपवित्र हो गए कहते हुए सभी प्रकार के ब्राह्मणों में भयानक खलबली मच गई। सभी तिलक को गरियाते हुए कहने लगे कि देखा, गणपत को सार्वजनिक किया तो इस प्रकार धर्म डूब गया। कौन ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने घर में रखेगा। तब तक फेरी पुणे के बाहर और मूलामुठा नदी तक आ चुकी थी। तभी आराम से तिलक ने कहा, चिल्लाते क्यों हो, शांत रहो, मैं धर्म को डूबने कैसे दूंगा। धर्म को डुबाने की अपेक्षा हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबा देते हैं। और इस प्रकार गणपत को डुबा दिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक तमाम अछूतों द्वारा अपवित्र हुए गणपत को डुबा दिया जाता है, जिसे कलम कसाई विसर्जन कहते हैं। सवाल नंबर चार, कौन सी मैरिज बेस्ट है, लव या अरेंज। अक्सर लोग इस बात पर बहस करते हैं कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज। शादी के लिए अभी के युवा वर्ग कन्फ्यूज होते हैं अरेंज और लव मैरिज के लिए। उन्हें अपने पेरेंट्स के अनुसार अरेंज मैरिज करनी चाहिए या खुद की पसंद से लव मैरिज करनी चाहिए। कुछ लोगों को जिंदगी में अपना हम सफर आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी शादी को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। लव मैरिज में लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे की पसंद ना पसंद के बारे में जानते हैं। जो लोग रिश्ते के लिए काफी सीरियस होते हैं उनके लिए जिंदगी भर साथ रहना आसान होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में लोग अपने पेरेंट्स, अपने परिवार की पसंद के लड़का या लड़की से शादी करते हैं। अलग अलग पसंद, रहन सहन, सभी चीजें अलग रहती हैं, फिर भी ये एक दूसरे के परिवार को अपना बनाकर आगे बढ़ते हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छा है। शुरुआत में सभी को समझना मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सवाल नंबर पाँच, एक नाक में दो छेद क्यों होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारी नाक एक है पर उसमें दो छेद क्यों होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि सूंघने की क्षमता और इस प्रोसेस को समझने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की। इस स्टडी में उन्होंने पाया कि पूरे दिन हमारे दोनों नासिका छिद्रों में से एक नासिका छिद्र दूसरे की तुलना में बेहतर और ज्यादा
तेजी से सांस लेता है। रोजाना दोनों नासिक छिद्रों में यह क्षमता बदलती रहती है, यानी हमेशा दो नासिक छिद्रों में से कोई एक नासिक छिद्र बेहतर होता है तो एक थोड़ा कम सांस खींचता है। सांस खींचने की यह दो क्षमताएं हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, ना कि ये दो नासिक छिद्र ही हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों की गंध को समझने में मदद करते हैं। इन दो नासिक छिद्रों की वजह से ही आप नई गंधों को भी पहचान पाते हैं। आपकी नाक इतनी समझदार है कि यह आपको रोज रोज की गंधों का एहसास देकर परेशान नहीं करती। इसे तंत्र का अनुकूलन कहते हैं। हमारी नाक ऐसी गंधों के प्रति उदासीन हो जाती है जिन्हें हम प्रतिदिन सूंघते हैं। हमारी नाक उन गंधों की पहचान तुरंत कराती है जो हमारे लिए नई होती है। हमारा छठवां सवाल है, सुबह की बासी लार के क्या फायदे हैं? नंबर एक, अगर आपकी आंख के आसपास काले घेरे हैं तो सुबह मुंह की लार से धीरे धीरे अपनी आंखों के आसपास मलें। कुछ ही दिनों में काले घेरे दूर हो जाएंगे और सुबह की लार काजल की तरह लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर दो, अगर किसी को दाद हो या मुहासों की समस्या होती है तो बासी लार को चेहरे पर लगाने से ये खत्म हो जाता है। शरीर में होने वाले फोड़े फुंसियों या घाव के भरने के बाद जो दाग रह जाते हैं उनको दूर करने में भी सुबह की लार बहुत काम आती है। नंबर तीन, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए लार से बढ़िया और कोई दवा नहीं है। लार में डायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने से आपकी लार सीधे आपके पेट में चली जाती है। ऐसा रोजाना करने से कभी पाचन संबंधी परेशानी नहीं होती। नंबर चार, लार में सोडियम, पोटेशियम फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, ग्लूकोज जैसे तत्व होते हैं जो दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक दांतों को हानिकारक संक्रमणों से बचाते हैं जिससे दांत सड़ते नहीं। यह दांतों पर सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। नंबर पाँच, कई बार मुंह में लार कम बनने से भी सांसों से बदबू की समस्या हो सकती है। मुंह में रह गई भोजन के कण और बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिससे भी सांसों से बदबू आती है। लार इन कणों और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। दोस्तों, आशा करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।